गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश का सच्चा इतिहास लिखा जाए। अमित शाह ने कहा कि आजादी के वक्त 630 रियासतों को एक करने में कोई दिक्कत नहीं आई, मगर जम्मू कश्मीर को एक करने के लिए 5 अगस्त 2019 तक इंतजार करना पड़ा। वहीं शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद किया, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पर भी हमला किया। अभिन्नता के अंदर कोई कसर छोड़ कर रखी है, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। बार बार भारत का हर बच्चा बोलता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वही बताता है कि कहीं पर कोई गलती हुई है। और ये गलती और कुछ नहीं, धारा 370 है। धारा 370 ने विचित्र प्रकार के कई प्रावधान, कई विशेषाधिकार दिए, जिसने ना जम्मू कश्मीर का भला होने वाला था, ना देश की एकता और अखंडता का भला होने वाला था, ना घाटी के जनता का भला होने वाला। और हमारे पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका पहली बार सविनय कानून भंग करने के लिए ट्रेन के रास्ते से जम्मू कश्मीर में गए। उनके पास परमिट नहीं थी, लेना भी नहीं था। वो मानते थे कि मेरे देश में जाने के लिए मुझे किसकी परमिट लेनी है। कल को आपको अमृतसर जाना है मत्था टेकने दरबार साहब, किसकी परमिशन देनी? कल को आपको सोमनाथ दर्शन करने जाना है, क्यों परमिशन लेनी? ये मेरा देश है, मैं क्यों किसी की परमिट मांगूंगा? शंकराचार्य जाना है या हजरत बाल जाना है, हमें परमिशन नहीं लेनी चाहिए। और ये इनकी मान्यता थी, उन्होंने परमिशन नहीं ली, उनको पकड़ा गया। और शंकास्पद रूप से उनकी जेल में मृत्यु हो गई। और श्यामा प्रसाद जी ने अपने जीवन का बलिदान धारा 370 के कारण देने का काम किया। और कश्मीर के लिए सबसे पहले सिविलियन शहीद होने का सम्मान भारतीय जनसंघ के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिला। और उन्होंने उस वक्त एक नारा लगाया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और जब गुलाम नबी साहब मुझे कह रहे थे कि आप राजनीति कर रहे हो, गुलाम नबी साहब हम राजनीति नहीं कर रहे, हमारी तो तीसरी पीढ़ी है राजनीति के अंदर, ये बोलते बोलते हमारा गला बैठ गया, आत्मा सूख गई हमारी, आपको इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है? हम तो ये तब करते थे जब हमारा सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं थी। कांग्रेस का सूर्य मध्यान्ह पर तपता था, तब हम ये बात लेकर निकले थे। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के सामने बोलना भी एक पाप माना जाता था। उस वक्त हम ये बात लेकर निकले थे और कहते थे कि देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे, दो संविधान नहीं होने चाहिए, दो झंडे नहीं होने चाहिए, दो प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। और ये आंदोलन हम उस वक्त लेके निकले थे, मगर अंततोगत्वा तो जो गति होती है वही होती है। जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार करना पड़ा कि शेख अब्दुल्ला इनकी ठीक पसंद नहीं थी और शेख अब्दुल्ला को 11 वर्ष के लिए कांग्रेस की सरकार ने जेल में डालना पड़ा। और कांग्रेस पार्टी के नेता कसीदे पढ़ रहे थे अब्दुल्ला साहब के लिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि तो फिर आपने जेल में क्यों डाला?